हेलो पीपल, वेलकम टू द कॉलेज डायरीज। एंड टुडेज वीडियो इज़ अबाउट फेमिनिज्म, या फिर आप उसको फेमिनिस्ट अप्रोच या फेमिनिस्ट थ्योरी इस तरह से बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले आपको टर्म का मतलब समझ आना चाहिए। तो जो फेमिनिज्म है या फेमिनिस्ट जो है, कहीं ना कहीं आपको साउंड आ रहा होगा फीमेल फीमेल वाला। तो फेमिनिज्म जो है, इट डील्स विद पोजीशन ऑफ फीमेल वुमेन। और ये जो थ्योरीज हैं, अब पोजीशन ऑफ वुमेन की बात होगी तो ऑब्वियसली एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जो औरतें हैं उन्होंने आवाज़ उठाई होगी, है ना, ऐसा सा कुछ हुआ होगा। तो बेसिकली इस थ्योरी में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि वॉर, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका फेमिनिज्म कितने तरह का होता है, या फिर आपका जो स्टेट है उसके पास फेमिनिज्म का क्या रोल होगा, और अगर विमेन को कहीं सप्रेस किया जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या क्यों होता है, आगे जाके फिर क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेमिनिज्म की जो अप्रोच है ना, जो ये मतलब शुरू हुआ प्रोग्राम इसका, फेमिनिज्म का विचारधारा जो शुरू हुई, ये हुई कोल्ड वॉर के बाद में। ठीक, जब लोगों को लगने लगा कि भाई फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूड किया जा रहा है, इन्हें तो कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं किया जाने दिया गया, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होने लगी। तो जब जाके एक थ्योरी इमर्ज हुई और उसको आप फेमिनिस्ट थ्योरी बोलते हैं। और इसकी कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो कुछ इस तरह हैं। स्कॉलर्स हैं गोल्डस्टीन, स्पाइक, टिकनर, स्ट्रीन्स, और ब्रैकेट में ये इनके कुछ बुक्स हैं। ठीक है, तो अब आगे जो है वो है आपका कि फील कर रहे हैं जैसे मैस्कुलिन चीज़ हो गई, फेमिनिन जो है रीजन, सोवरेनिटी, ऑटोनॉमी, मतलब ये फीचर्स बता रहे हैं कि मैस्कुलिन ये होते हैं और फेमिनिन ये होते हैं। तो इनको बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी। फिर है रियलिस्ट जो हैं, डोमिनेशन ऑफ मेल ओवर फीमेल, ये इनका पहला आर्ग्यूमेंट है, मतलब थ्योरी में ये बात हो रही है। उसके बाद है कि IR जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, वो सिर्फ और सिर्फ आदमियों की बात करता है, पुरुषों की बात करता है। अब क्या है, रियलिस्ट आइडिया जो है पावर का, जो सुप्रीम आइडिया माना जाता है पावर का, जो रियलिस्ट ने दिया, उनमें मानते हैं कि मिलिट्री मेल का काम है। तो रोजमेरी ग्रांट जो है, फीमेल जो एक स्कॉलर थी, उन्होंने इसको, रियलिस्ट को, एक पैट्रियार्की थ्योरी का दर्जा दे दिया और उसको क्रिटिसाइज़ किया और बोला मेन जो है वो स्टेट की तरफ आइडेंटिफाइड होते हैं। फेमिनिज्म जो है उसकी तीन स्ट्रैंड्स, या फिर आप बोल सकते हो तीन तरीके से उस चीज को इवॉल्व कराया गया। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन दिया गया है गोल्डस्टीन ने। तो थ्री स्ट्रैंड्स ऑफ क्लास फेमिनिज्म जो है, फर्स्ट डिफरेंस फेमिनिज्म, सेकेंड आपका लिबरल फेमिनिज्म, और थर्ड आपका होगा पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, इट इज़ डिफरेंस फेमिनिज्म। डिफरेंस फेमिनिज्म जो है वो बहुत स्लाइट लेके चलता है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इम्फेसिस नहीं करता, बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालता। इसके दो तीन पॉइंट्स हैं, जिस तरह, मतलब इसका मानना ये है कि जैसे फीमेल जो है वो नर्चरिंग में, केयर टेकिंग में, इन सब में बहुत अच्छी होती है, तो इस तरह क्या होता है, उसका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, कि उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बेटर होता है देन मेन। और ये मतलब ऐसा मानते हैं कि वुमेन जो है ना, उनको वुमेन ही रहने दो, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो उसी तरीके से जैसे चला आ रहा है उसी हिसाब से करते चलेंगे और उसी को वैल्यू करेंगे हम। ये इनका सोचना कुछ इस तरह का है डिफरेंस फेमिनिज्म का। दूसरा जो आता है वो होता है आपका लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल आपको पता ही है, लिबरल उदारवाद जो है, उसके अंदर आते ही, सोचते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ ये लेकर आए होंगे। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि मेन और वेमेन दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंस फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट था, इन्होंने इसको रिजेक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि ये स्टीरियोटाइप पे बेस्ड है। अब स्टीरियोटाइप क्या होता है? रूढ़िवाद आप इसको हिंदी में बोलते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ जो हम बचपन से, पुराने टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं। जैसे हम, मतलब जो मैंने सुना है वो, कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं। मतलब आप अगर कुछ बोलो कि भाई गाड़ी लेके जाना है, स्कूटी लेके जाना है, कुछ ऐसे है, तो क्या होता है कि मतलब अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती हैं। तो ये स्टीरियोटाइप है। या फिर जैसे आप, हम सब स्कूल में सुनते थे कि लड़कियों की तरह रो रहे हो, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो
तो ये होते हैं स्टीरियोटाइप, मतलब जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, लेकिन क्या है, हम और आप उन्हें सुनते हुए आ रहे हैं, तो हमने उस चीज़ को मतलब ऐसे सोच लिया है कि हाँ ठीक है, अगर ये है तो है ठीक। तो ये इन सब चीज़ों को मना करते हैं कि स्टीरियोटाइप जेंडर रोल्स जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए। फिर इन लोगों का मानना ये है कि आप वुमेन को पावर में ना ला के पहले क्या करें, पहले उनके बारे में लोगों को अवेयर करें। कैसे करेंगे अवेयर? कि आप वुमेन को इंक्लूड करो। इंक्लूड कैसे? कि आप उनके, अगर कोई अच्छी पोजीशन पर है, पॉलिटिकल लीडर है अगर कोई, तो उसकी स्टडी करेंगे, उसको मतलब कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचा वो, उन सब चीज़ों को देखें और उसको पब्लिश करें, ताकि बहुत सारे लोग उन्हें पढ़ पाएँ, इंस्पायर हो पाएँ, और उसके बाद आप उसे पोजीशन में डालें। फिर उसके बाद आप उसे मिलिट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में भी हो सकता है। ये मतलब कहने का है कि ये जो हैं, ये जो लिबरल फेमिनिज्म होते हैं, लिबरल फेमिनिस्ट जो होते हैं, इन लोगों का क्या है कि ये उनको लिमिट नहीं करना चाहते, पहले उनको स्टेप बाय स्टेप वो उठाना चाहते हैं। थर्ड है आपका पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है ये कहते हैं कि आप ना अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए प्लीज़। मतलब क्या है इनका? इनका मतलब ये है कि जैसे रियलिज्म जो है वो कुछ स्ट्रैंड्स पर, कुछ जगह पर क्या करते हैं, लैंग्वेज को इस तरह से यूज़ करते हैं कि पावर जो है वो मेन की है, या फिर मतलब आदमियों को, पुरुषों को फीमेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जैसे एक एग्जांपल है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो पहला था, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, उसका नाम रखा था फैट मैन। तो यहाँ नाम से आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि फैट मैन मतलब कहीं ना कहीं मैस्कुलिन फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ पहले, क्या है देखो, मैस्कुलिन और फेमिनिन दो चीज़ें हैं। मैस्कुलिन का मतलब है एक मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करना, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसने डिसाइड किए पता नहीं। ये जो हैं चीज़ें, इन सब से बाहर निकलने के लिए ये थ्योरीज बनाई गई हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, ऐसा ना हो, चीज़ें क्लियर कट रहें, ठीक है। मतलब अगर आपने रोना है तो मतलब ये नहीं कि लड़के नहीं रोते, लड़के भी रो सकते हैं, है ना। आप अगर लड़की हैं, शिवांगी सिंह हैं, उन्होंने राफेल उड़ाया, तो वो मतलब क्या, वो उड़ाना नहीं जानते, चलाना नहीं जानते कुछ। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये क्लियर होनी चाहिए। तो आगे की जो हैं चीज़ें वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। पावर और स्टेट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे पावर का कॉन्सेप्ट, जो कि रियलिस्ट माना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि उसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। पावर का मतलब होता है आप वो काम कराएं जिस, जो इन्फ्लुएंस करें सामने वाले को, कि जो वो बिना आपके इन्फ्लुएंस के करने को तैयार नहीं होता, इस तरह से होता है। तो फेमिनिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि पावर जो है वो एक मैस्कुलिन ट्रेट है। तो फेमिनिस्ट जो हैं वो पावर को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा बैंगल्स इन हैंड, ऐसे बोलते हैं कि चूड़ियाँ पहन लो अगर आपके पास वो मैस्कुलिन ट्रेट नहीं है। और स्टेट को ये मानते हैं कि स्टेट जो है वो वुमेन की, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू जेंडर, ये मानते हैं कि जो आदमी होते हैं, जो मैन होते हैं, वो वॉर लविंग जेंडर होते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं, और वुमेन जो होती हैं वो पीसफुल होती हैं। और मैन जो हैं वो मतलब वॉर इसलिए करते हैं ताकि वो हीरो की तरह कर अपने आप को शो कर सकें, क्योंकि वुमेन का जो चाइल्ड बर्थ गिविंग जो फैक्टर है वो उनको पहले ही हीरो बना देता है। और इसमें ये है कि वुमेन है ना, जो वो वुमेन बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं अगर वॉर वगैरह होता है। विक्टिम्स जो हैं वो दोनों तरीके से, मैन और वुमेन, वो डिफरेंट डिफरेंट फेज में होते हैं। मतलब वुमेन जो हैं उनको एज अ प्रॉपर्टी समझा जाता है, इस तरह से चीज़ें होती हैं।